ओके okay, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउंस के प्रॉपर नाउंस होते क्या हैं फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन ओके नाउंस बेसिकली होते हैं नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन ठीक है नाउन क्या होते हैं किसी भी शख्स जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं नाउन बट अगर उसके नाउन के वर्ड से पहले प्रॉपर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा प्रॉपर प्रॉपर का, का मीनिंग होता है ख़ास ठीक है एक स्पेसिफिक होगा जिसको हम जिसका कोई भी स्पेसिफिक नेम होगा ठीक है इस तरह प्रॉपर नाउन क्या बनेगा कोई भी ख़ास स्पेसिफिक नेम होगा स्पेसिफिक पर्सन का नेम स्पेसिफिक थिंग का नेम होगा या स्पेसिफिक प्लेस का नेम होगा या स्पेसिफिक एनिमल का नेम होगा तो वो क्या होगा हमारे पास

person, p-e-r-s-o-n, person, place, p-l-a-c-e, place, thing, t-h-i-n-g, thing, or animal. What is the spell of animal? a-n-i-m-a-l, -E animal. Okay. A proper noun is a specific name of a person, place, thing or animal. Pro proper nouns हमारे पास क्या होते हैं कोई भी specific इन चीजों का specific जिन चीजों का specific name होगा वो हमारे पास क्या होंगे proper nouns. ठीक है किसी भी चीज़ का जैसे हमारे पास किसी पर्सन का कोई स्पेसिफिक नेम है जैसे आपका एक अपना नेम है स्पेसिफिक नेम है ठीक है आप क्या हैं प्रॉपर नाउन है ठीक है उसके बाद कोई भी स्पेसिफिक थिंग होगी वो हमारे पास क्या होगी प्रॉपर नाउन और कोई भी स्पेसिफिक एनिमल का नेम होगा वो हमारे पास होगा प्रॉपर नाउन ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉपर नाउन ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉपर नाउन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉपर नाउन में सबसे फर्स्ट हमारे पास आपको एक सबको एनिमल की एक पिक शो हो रही है ठीक है इस एनिमल का कोई एक स्पेसिफिक नेम है हम सबको पता है कि इस एनिमल का एक स्पेसिफिक नेम है वट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल लायन वट इज़ द स्पेल ऑफ लायन एल आई ओ एन लायन ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर एनिमल का कोई नेम ना होता ठीक है तो वो क्या प्रॉपर नाउन होता नो no. लेकिन अगर जहाँ पर स्पेसिफिक नेम दे दिया जाए ठीक है जैसे लायन एक स्पेसिफिक नेम है इनका ये क्या है हमारे पास प्रॉपर नाउन ठीक है नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड एपिक दिस इज़ द पिक ऑफ़ मीनार पाकिस्तान ठीक है वट इज़ द स्पेल ऑफ मीनार पाकिस्तान एम आई एन ए आर मीनार ई मीनारे पी ए के आई एस टी एन तान पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान ठीक है अब मीनार पाकिस्तान हमारे पास क्या है एक स्पेसिफ़िक जगह है ठीक है हमें पता है मीनार पाकिस्तान क्या है एक जगह है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मीनार पाकिस्तान की बात ना करते हैं हम कहते हैं वी आर गोइंग कि हम जा रहे हैं ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं बट अगर हमने स्पेसिफिक कर दिया वी आर गोइंग टू मीनार पाकिस्तान तो ये क्या हो जाएगा एक प्रॉपर हो जाएगा हमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान तो हमारे पास क्या है ये प्रॉपर नाउन ओके नेक्स्ट हमारे पास एक बॉय की पिक सबको शो हो रही है ठीक ओके इस बॉय की पिक इस बॉय का नाम क्या है इन बॉय वट इज़ द नेम ऑफ दिस बॉय क्या राइट किया है अली ए एल आई अली फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर कोई नेम ना होता तो क्या ये प्रॉपर नाउन होता नो no. क्योंकि हमें एक आ, नेम नहीं दिया हुआ था एक स्पेसिफिक नेम नहीं दिया हुआ था बॉय का तो क्या ये प्रॉपर नाउन होता नहीं लेकिन अगर यहाँ पर बॉय का नेम राइट किया हुआ है अली तो क्या है ये प्रॉपर नाउन है इसी तरह आप सबके डिफरेंट अलग अलग नेम्स हैं तो क्या हैं आप लोग प्रॉपर नाउन ओके नेक्स्ट मूव टू द कॉमन नाउन ठीक है हमने कॉमन नाउन अब रीड uh, करना है कॉमन नाउन की डेफिनेशन है सबसे पहले फर्स्टली हमारे पास कॉमन नाउन का मीनिंग पता होना चाहिए कॉमन नाउन का मतलब होता है कोई भी आम ठीक है कॉमन का मतलब होता है कोई भी आम स्पेसिफिक ना हो ठीक है कोई भी कॉमन हो स्पेसिफिक ना हो ठीक है अ कॉमन नाउन सी ओ डब्ल एम ओ एंड कॉमन एंड नो यू एन नाउन कॉमन नाउन इज अ कॉमन सी ओ डब्ल एम ओ एंड कॉमन

कॉमन नाउन हमारे पास जैसे प्रॉपर नाउन <coughs> प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं हो स्पेसिफिक नेम होगा ठीक है स्पेसिफिक थिंग का नेम होगा स्पेसिफिक पर्सन का नेम होगा स्पेसिफिक प्लेस का बट यहाँ पर कॉमन की बात हो रही है तो यहाँ पर जस्ट कॉमन होगा हमें अगर स्पेसिफिक नहीं भी दिया हुआ तो कोई मसला नहीं है वो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा ओके लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन नाउन ओके हमने प्रॉपर में पढ़ा था हमारे पास एक बॉय की पिक थी हमें उसका नेम पता था ठीक है उनका नेम था अली ठीक है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट बॉय अली बट यहाँ पर आप सबको फर्स्ट में गर्ल की पिक शो हो रही है ठीक है सबको शो हो रही है इस गर्ल का कोई स्पेसिफिक नेम राइट हुआ वह नो no, कोई भी स्पेसिफिक नेम राइट नहीं हुआ हुआ ठीक है is कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं है इन गर्ल का ठीक है तो जब किसी भी गर्ल का नेम uh, कोई भी पर्सन का नेम कोई भी प्लेस का नेम और कोई भी थिंग का नेम स्पेसिफिक नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉमन नाउन ठीक है <coughs> तो ये गर्ल हमारे पास क्या है कॉमन नाउन नेक्स्ट है हमारे पास एक बीच वट इज़ द स्पेल ऑफ बीच बी ई ए सी एच बीच ठीक है अब बीच में हमारे पास क्या है uh, बीच का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है कि कौन सी वाली बीच है ठीक है बीच बहुत सी होती हैं बहुत सी टाइप्स की होती हैं ठीक है देर आर मैनी बीच इन पाकिस्तान दे आर मैनी बीचज इन पाकिस्तान ठीक है अब हमारे पास इन इस बीच का स्पेसिफिक नेम नहीं है तो हमारे पास ये क्या होगा कॉमन नाउन इसी तरह लास्ट में हमारे पास क्या है पेंसिल सबको शो हो रही है ठीक है वॉट इज़ द स्पेल ऑफ पेंसिल पी ई एन सी आई एल सिल पेंसिल ठीक है अब पेंसिल का कोई हम आप सबको कोई नेम शो हो, हो रहा है कि कौन सी पेंसिल है कलर पेंसिल है या सिंपल पेंसिल है या कोई भी दूसरी पेंसिल है सबको शो हो रहा है नहीं जब किसी भी थिंग का कोई स्पेसिफिक नेम ना हो तो वो भी हमारे पास क्या होता है कॉमन नाउन ठीक है वो क्या होता है हमारे पास कॉमन नाउन अब सब सबको समझ आ गई है होप सो आप सबको समझ आ गई होगी आप सब ने इन इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है ठीक है इनके स्पेल्स अच्छी तरह रीड करने हैं और आप सबको इनके जो स्पेल्स हैं अच्छी तरह इनके मीनिंग्स अच्छी उर्दू मीनिंग्स अच्छी तरह याद हों ओके अल्लाह हाफिज़